सुपौल बिहार के 21 वर्षीय युवा खिलाड़ी मयंक यादव को आईपीएल फ्रेंचाइजी लखनऊ सुपर जायंट्स ने वर्ष 2022 में 20 लाख बेस प्राइस देकर खरीदा, लेकिन उसे एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला। अगले सीजन में हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण भी वो एक भी मैच नहीं खेल पाया। लगातार दो सालों तक बाहर से क्रिकेट को देखते हुए इस युवक ने खुद को संघर्ष की भट्टी में इतना तपाया कि इस सीजन में जब उसे खेलने का मौका मिला तो पहले ही मैच में उसने किंग्स इलेवन पंजाब के 3 विकेट चटका दिए। उसे मैन ऑफ द मैच भी चुना गया। बिहार के सुपौल जिले के मौराना प्रखंड अंतर्गत मौराना दक्षिण पंचायत के रहतो निवासी मयंक यादव की पेस देखकर क्रिकेट जगत में हलचल मच गई है। किंग्स इलेवन पंजाब के कप्तान शिखर धवन के खिलाफ मयंक ने 155.8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकी। ये आईपीएल 2024 की अब तक की सबसे तेज गेंद थी। मयंक की रफ्तार को देख खुद साउथ अफ्रीका के पूर्व दिग्गज और तेज गेंदबाज डेल स्टेन ने भी कहां छुपे थे। मयंक के पिता प्रभु यादव दिल्ली में सायरन बनाते हैं। वे बताते हैं कि मयंक बचपन से ही क्रिकेट खेलने का शौकीन था। पढ़ाई के बाद हमेशा अपने सहपाठी के साथ क्रिकेट मैदान से लेकर गली कूची तक में खेलते रहता था। क्रिकेट के प्रति अत्यधिक झुकाव के बाद हम लोगों ने भी सहयोग करना शुरू कर दिया। वे बताते हैं कि सबसे पहले मयंक ने अपने स्कूल की ओर से क्रिकेट खेलना शुरू किया था। उसके प्रदर्शन को देखते हुए पहली बार वर्ष 2019 में ही दिल्ली की स्टेट टीम में ही सिलेक्शन हुआ। दो साल बाद वर्ष 2022 में आईपीएल फ्रेंचाइजी लखनऊ सुपर जायंट्स ने 20 लाख में उसे खरीद लिया, लेकिन खेलने का मौका इस बार मिला। अपने पहले ही मैच में उसने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में 27 रन देकर पंजाब के 3 खिलाड़ियों को आउट किया और अपनी टीम को जीत दिलाई। मयंक का गांव कोशी क्षेत्र का बाढ़ प्रभावित इलाका है। इस इलाके के बेटे को आईपीएल में कमाल करता देख गांव ही नहीं इलाके के लोग भी काफी खुश हैं। मयंक के चाचा फूल कुमार स्थानीय पत्रकार हैं। वे बताते हैं कि मयंक का जन्म भी दिल्ली में ही हुआ था। वो सीधे और सरल स्वभाव का युवक है। मयंक यादव ने दिल्ली में ही रहकर 12वीं पास की है। यही कारण था कि तैयारी के लिए उन्होंने मयंक को आर्य जिमखाना में भर्ती कराया। उसके बाद दिल्ली में ही इंद्रप्रस्थ नेशनल क्रिकेट एकेडमी में नामांकन कराया। उसके क्रिकेट गुरु देवेंद्र ने दिन रात मेहनत कर उसे सवारा है। मयंक यादव ने अब तक 2 फर्स्ट क्लास, 17 लिस्ट और 11 टी20 मुकाबले खेले हैं। इसमें उन्होंने 2, 34 और 15 विकेट चटकाया है। मयंक की सबसे खास बात ये है कि टी20 क्रिकेट में भी उनका इकोनॉमी रेट सिर्फ 6.48 का ही है। उनका स्ट्राइक रेट भी 13.2 का है। बता दें कि 214 टी20 मुकाबले खेल चुके बुमराह का इकोनॉमी रेट 7.01 जबकि स्ट्राइक रेट 18.2 है। हमें कमेंट कर बताएं क्या आपको लगता है कि मयंक यादव आगामी समय में भारत के लिए खेल सकते हैं या नहीं।